कि कौन से कंट्री में ये बेचा जाता है? ये सबसे ज्यादा था जापान, चाइना, हाँ? और ये हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई। ओके, तो जो भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं मतलब चाइना से, वो है वो कितने क्वांटिटी के होते हैं? एक साल का मिलता है ऑर्डर। तो आप बाहर के कंट्रीज में जाके एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करते हो? एग्जीबिशन में भी करते हैं। तो वहाँ से मतलब आपको अच्छा रिस्पांस? अच्छा रिस्पांस आप, इतना ऑर्डर मिल जाते थे हमारे से पूरा भी नहीं हो पाता, अच्छे माल बनाने के वाले जो कम है। आई होप यू आर एंजॉयिंग द इंटरव्यू सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड ऑन द केडी सुषमा चैनल। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के इंटरव्यूज हमने चालू किए हैं टू गेन द नॉलेज, टू गेन द मोटिवेशन एंड यस टू अपडेट अबाउट द मार्केट ऑल्सो, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने भी फेस किए हैं, बट स्टिल हाउ दे हैव सक्सीडेड इन द जर्नी ऑल्सो एंड हाउ यू कैन गेट द मोटिवेशन टू स्टार्ट यूर एक्सपोर्ट बिजनेस। सो जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, सो हाउ वी कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू अदर पीपल ऑल्सो who want to start the export business of any product, any sector to any market also. Handicraft export के बारे में बहुत सारी चीजें हमने आज तक की है, market में भी आपने देखा होगा, there is a lot of scope actually for the handicraft export. लेकिन अगर reality जाननी हो कि कौन सा product market से जाता है, कौन सी country को कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है, कौन से लकड़ी में वो ज्यादा बनाया जाता है, तो क्यों ना हम इनसे ही जाने कि जो already मतलब बरसों से वो बिजनेस करते आए हैं और उन्होंने बचपन से मतलब वो सारी चीजें देखी है और बहुत मतलब वहां पे डीपर काम भी किया है। और रियली कहा जाए तो हैंडक्राफ्टेड की चीजें देखना उसका एक सुकून और आनंद अलग ही होता है। सो राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद इन द अमर वुड हैंडीक्राफ्ट के शॉप में हूँ मैं। अमेजिंग कलेक्शन वी कैन से हियर और बहुत सारे वैरायटी ऑफ की जो प्रोडक्ट्स है हैंडीक्राफ्ट के वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। सो मेरे साथ अभी मोहम्मद सलीम जी है। सो थैंक यू सर फॉर मतलब इनवाइटिंग अस एंड कमिंग इन द वीडियो। सो आप अपना थोड़ा सा परिचय देना कि मतलब आप आपके बारे में, आपके शॉप के बारे में थोड़ा सा। ये काम जो है हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बचपन से करते आ रहे हैं और हमारा ये काम जो है ना ये खानदानी काम है। ओके, और जो है पूरा हैंडमेड है और ये हमारे बड़े काम करते थे, हमारे जो है वालिद साहब करते थे, फिर हमारे उनके वालिद का करते थे, अब उनके जो उनकी बच्चे काम करते जाते हमें हैं, अब जो हमारे जो भतीजे भी यही काम करते हैं। okay. ये भतीजे काम करते हैं और ये पूरा हैंडमेड है। ओके, और ये जो है पूरा हम जो है ये बचपन से लेके हमें जो बहुत ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है। okay. इस काम में। ओके, सो ये सारी जो चीजें है मतलब वो इंडिया में भी ज्यादा बेची जाती है? हाँ, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर भी जाती बहुत जाती है। ओके, सो आपका मतलब जनरली कौन से कंट्री में ये बेचा जाता है? ये सबसे ज्यादा था जापान। okay. और ये तुम्हारा जो है चाइना। हाँ? और ये जो है हांगकांग और जो है थाईलैंड। ओके, और ये तुम्हारा सिंगापुर। ओके, और ये दुबई। ओके, सो ऐसे मतलब वो सारे कंट्रीज में ज्यादा जाता है, ज्यादा जाता है। तो अगर जैसे आपने अभी जितने नाम लिए, सिंगापुर हो, चाइना हो, जापान हो, तो जनरली मतलब कौन से कंट्री को कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा मतलब डिमांडेड होते हैं? ये ज्यादातर जो है ना ये चाइना में ये शीशम का सामान ज्यादा जाता है। शीशम। हाँ। शीशम का टेबल है, सोफा है। ओके। और जो डाइनिंग है और ये तुम्हारा जितना भी घरेलू सामान है वो। हाँ, जाता है वो सारा शीशम, मतलब जो घर में जो डेकोर होता है उसके लिए जो पूरा का पूरा वो सारा चाइना में जाता है। चाइना में जाता है, थाईलैंड में भी जाता है, हांगकांग में भी जाता है सेम। ओके, और अदर कंट्रीज में जैसे जापान और जापान में ज्वेलरी बॉक्स ज्यादा चलते हैं। ओके, मतलब वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्वेलरी बॉक्स ज्यादा पसंद करते हैं। और ये टेबल भी जाती है, मतलब वो भी ज्यादा जाता है, जैसे ये पिलर टेबल है। ओके, अब ये जैसे पिलर टेबल है ना ये भी जाती है। हाँ। इसमें ये सबसे छोटा साइज है और इससे बड़ा भी साइज होता है। ओके, 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 ओके। ये भी पूरा हैंडमेड, तो ये भी मतलब हाँ, ये पूरा फोल्ड होता है। मैं बताता हूँ ना, अब ये ना इसका एक वो है नहीं, मैं आपको दिखाता। हाँ, ये तीन पार्ट में मतलब फोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है। ओके, ये फर्स्ट सेकंड इसका थर्ड इसका ऐसे मतलब तो ऐसे मतलब रखा जाता है पूरा। और ये सारा हैंडमेड बनाया है? पूरा हैंडमेड। अब देखो ये इतनी हाइट में आता है, 2 फीट की हाइट में आता है, बड़ा होता है जी, बड़ा होता है। ये चेयर है, इसे बोलते हैं हम मंकी चेयर। मंकी चेयर। ओके, ये इसके लिए पीठ के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छी वो है। और ये पूरा हैंडमेड है। ओके,
तो ये कौन से कंट्री में ज्यादा ये होती है? ये अपना जो है इंडिया में ज्यादा, इंडिया में ज्यादा जाता है इंडिया में। और बाहर के इसमें बाहर भी जाता, मतलब जाता है वैसे बाहर भी जाता पूरा। तो ये जैसे अभी हमने देखा कि इतने सारे कंट्रीज को ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करना है ये मतलब कैसे ख्याल आया कि मतलब ये चीज सारी चीजें बाहर के मार्केट में भी जाते हैं? हमारे जो बच्चे हैं ना, हाँ आजकल की ओके वो जरा इंटरनेट है और जो तो उसकी वजह से मतलब वो डेवलप हो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। ओके अब जो लैपटॉप चलाने वाले सॉफ्टवेयर तो उसके काम करने वाले उन्हें बहुत एक्सपीरियंस, वो देख के गूगल पे रिसर्च करे जो है कहाँ कहाँ कंपनियां है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो उसके थ्रू मतलब वो चल गया। उसके थ्रू तो ये सारा मतलब जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस स्पेशली बोलते हैं, जी दिखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही होता है, पर उसकी मेहनत भी उतनी होगी मेहनत और बहुत उसके है, मतलब कुछ चीजें भी होगी कि जो चैलेंजेस होते होंगे आपके लिए, बिल्कुल तो वो होते कौन हैं। से होते हैं? आप जो इसमें हमारे यूपी में आओगे सहारनपुर में, ये पूरे जो है वही बनता है। ओके और जो है इसमें जो है जो हम जो है स्टार्ट करते हैं 8 o'clock से और जो है 6 o'clock तक हमारा रहता है, और फिर जो है पर डे की हमारे यहाँ रेस्ट रहता है। तब ये हैंडलिंग प्रोडक्ट करते समय कुछ दिक्कत आती है? क्या दिक्कत आती है, आदत सी बन गई अपनी। नहीं, हाँ बट अगर हम हाँ बाहर भेज रहे तो हाँ वहां पे कुछ डैमेज होना या फिर ऐसे कुछ? नहीं वो जो डैमेज होता तो वो तो हम जो है वो असल में वो जो है ना चेकर आते हैं चेक करने के लिए, एक्सपोर्ट उनके जो चेक करने के लिए माल आते हैं, पहले देखते हैं हर चीज को चेक करने के बाद में फिर अपने सामने पैकिंग करवाते हैं, ये तो रहता है जो भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं मतलब जी। चाइना से, वो है वो कितने क्वांटिटी के होते हैं? क्वांटिटी मतलब ये वो जो है 1 साल का मिलता है ऑर्डर एक साल का? जी, 1 साल का मिलता है। तो फिर मतलब अगर जैसे कि अभी ये टेबल आपने हाँ बताया तो हाँ एक अभी साल? अभी ये टेबल एक नहीं बनेगी, वहाँ मिनिमम 100 पीस चाहिए उन्हें ये। ओके पूरा हाँ पूरा एक कंटेनर का माल होना होना, कंटेनर ही भेजा जाता हाँ है पूरा मतलब? कंटेनर ही भेजा था। अब ये पीस होना है, ये उन्हें चाहिए 25 पीस है। ये पार्टीशन है इसकी रेन है, ये लग रहा है ना ये इसकी रेन, हाँ हाँ ये उन्हें 50 पीस होना। ओके मतलब इसमें वैरायटी बना बना के भेजते हैं, बनाते हैं जैसे 50 पीस है 10 अलग डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के डिजाइन जैसे होते हैं, मतलब ये रहता है। आप कस्टमाइजेशन भी कर किया जाता है उसको? बिल्कुल अभी ये जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी साधारण रेंज क्या होती है, प्राइस रेंज अगर कहा जाए तो? अब ये है ना ये टेबल ये 6,000 का रहता है और इस ओके पे हम जो है 20% लेस करते हैं। ओके हाँ और ये स्क्रीन पार्टीशन है ना ये 30,000 का है, ये शीशम वुड में है और इसमें मैंगो वुड में ही बनता है। अब ये झूला है 30 सीटर, ये मैंगो वुड में, ये भी बाहर जाता है बाहर एक्सपोर्ट होकर, जाता है बाहर मतलब जाता है उसके जी, लिए। कोई वो नहीं। तो जब भी मतलब एक्सपोर्ट हाँ के लिए जाता है तो एटलीस्ट मतलब उसके लिए कस्टमर उतना प्राइस भी देने के लिए प्रेफर हाँ करते हाँ हैं? बिल्कुल। अब वो एक्सपोर्ट में तो एक्सपोर्ट ही हाँ वही वो लेंगे ना रेट। वो तो है। हाँ ऐसा नहीं लेंगे कि इंडिया के अलग रेट रहते हैं, एक्सपोर्ट के अलग रेट, वो आइटम भी अलग बनती है एक्सपोर्ट मतलब में। अलग से बनाई हाँ जाती है बिल्कुल उसकी। एकदम एकदम फिनिशिंग एकदम जो है गारंटी की। ओके ओके हाँ क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी उतनी बिल्कुल सारी। एकदम नंबर 1 फिर उसके किसी। लिए कुछ केयर करनी पड़ती है अगर कस्टमर लेके जाता है तो वहां पे उनको कुछ मेंटेनेंस या कुछ ऐसे कुछ करना पड़ता है इसके लिए? नहीं इसमें कोई मेंटेनेंस, सिर्फ जो है उसकी पैकिंग, एक्सपोर्ट पैकिंग आपको मालूम है कैसी होती है, राइट पेपर में होती है, पेपर के बाद में जो है उसके बॉक्स बनते हैं, बॉक्स के बाद में जो है फिर उसके फिर एक और बॉक्स में आते हैं वो लगाने के बाद में जब वो ओके कर देते हैं फिर जो है वो कंटेनर में पैक कर देते हैं। तो आप बाहर के कंट्रीज में जाके मतलब एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करते हो? एग्जीबिशन में भी करते हैं मतलब आप कौन कौन से कंट्री में आपने वैसे किया है मतलब एग्जीबिशन में? ये दुबई में भी किया, हांगकांग में भी किया, सिंगापुर में भी किया और इसमें भी किया तुम्हारा जो है चाइना में। तो वहां से मतलब आपको अच्छा रिस्पांस अच्छा मिला रिस्पॉन्स होगा आता है इसका, तो कस्टमर्स भी ज्यादा बनते होंगे वहां से बहुत फिर? ज्यादा बनते हैं, इतना ऑर्डर मिल जाते थे हमारे से पूरा भी नहीं हो पाता, ये मतलब इतना रहता स्कोप है वैसे बीस मार्केट में? अच्छे माल बनाने के वाले जो है कम है और जो है वैसे माल बनाने ज्यादा तो वो तो है, बहुत वो मिलेंगे नहीं वैसे। इनसे नहीं पालते हैं वो करते हैं। तो ये रिटेल कस्टमर भी ऑर्डर करते हैं? हाँ रिटेल वो कस्टमर भी करते हैं और रिटेल और दुकान वाले जो होंगे मतलब वहां के वाले वो भी वो मतलब भी, ऑर्डर अब देते यहाँ हैं? हमारे लोकल ऑर्डर बहुत मिल जाते हैं, अब तुम्हारे महाराष्ट्र के भी आते हैं हमारे पास है, ओके पूरे आंध्रा के भी आते हैं और ये तुम्हारे तमिल के भी आते हैं, पूरा साउथ के पूरा आता है सारे ये। मतलब और अपना जो है
वहाँ जो शोरूम है हमारा सहारनपुर में, वहाँ उधर नॉर्थ के आते ओके। पूरे कस्टमर, पंजाब हो गया और तुम्हारा ये देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, तो ये तुम्हारा राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, उधर कवर हो जाता वो भी आते हैं। अगर किसी को मतलब अभी ये जैसे लोग देख रहे हैं अभी चैनल पे, तो जी। उनको भी मतलब चाहते हैं कि उनको भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में आना है या हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में आना है, अभी आप इतने सालों का तजुर्बा है आपका, जी तो आप क्या उनको सलाह दोगे कि उन्होंने मतलब क्या करना चाहिए अगर इस बिजनेस में उनको आना हो तो? इस बिजनेस में आना हो तो उसमें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है, उसे एक तो लकड़ी की पहचान होनी चाहिए, और एक ये होनी चाहिए लकड़ी ये किस यूज में काम आती है, और ये लकड़ी कौन सी है, हाँ, और इसमें मटेरियल कौन सा लगेगा, मटेरियल क्या लगा हुआ, और ये हैंडमेड कैसा है, ये हैंडमेड है या मशीन हाँ मशीन मशीन का मशीन ही है। ज्यादातर हमारे हमारे पास जो है ना वो 90% जो है हैंडमेड है, तो बस मतलब वो जानना जरूरी है वो पहले, क्योंकि जरूर जरूरी है। अब आप कस्टमर को कैसे बताओगे फिर, अपने 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 जो है एक्सपोर्टर को कैसे बताओगे। हाँ वो तो है। हमारे यहाँ एक्सपोर्टर आते रहते हैं, वो यही देखते हैं, पूरी ऐसे कैमरा लेके आते हैं और पूरा पिक्चर बना के जाते हैं, जो काम करते हो ना हाँ पूरे हाथ से, उनकी पूरी पिक्चर बना के जो है अपने कंट्रीओं में दिखाते हैं वो। और हाँ फिर मतलब वो किया जाता है। तो इसमें अभी लकड़ी में बनावट भी होती होगी? हाँ अब देखो ना ये बनावट कैसी, ये देखो अब आप, वो सारी चीजें। ये बनावट, ये अलग अलग बनावट है। अब ये देखो ये कैसे, ये सब हाथ के बना, एक एक पट्टी काट काट के लगाया, ओके ये देखो एक एक पट्टी काट काट के, जैसे ना ये एक पट्टी काटी फिर लगा, एक पट्टी काटे, ये अलग ये रहता है। अब ओके ये इसमें शीशम में बनेगा तो और अच्छा रहता है, ये मैंगो वुड में, मैंगो वुड में तो शीशम में, ज्यादा टिकने के लिए कौन सा लकड़ी? शीशम शीशम ज्यादा अच्छा होता है, शीशम या टेक, टिका। बस दो। तो प्राइस ज्यादा किसकी होती है फिर? प्राइस सेम ही रहता है शीशम का भी टेक का भी, ओके ये काम टेक में नहीं आता, ज्यादा नहीं आता तो नहीं आता, ये शीशम में ही करना शीशम ही पड़ता है। आता है, टेक में थोड़ा 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 बगड़ काम कर तो जो देते हैं बाहर हमारे की यहाँ, कंट्री में जाता है वो ज्यादा शीशम का ज्यादा शीशम का देखते जाता है हमारे यहाँ टोटल जो है शीशम का। ये तो अब मैंगो वुड अब होने लग गया जब से महंगा हो हैं। गया शीशम, और वो जो फ्लावर पॉट वहां पे दिख रहे बड़े बड़े वाले, ये वो पूरे जो है मैंगो वुड के, मैंगो उड़ के, वो कौन से कंट्री को ज्यादा जाते हैं? हाँ ये अपना ज्यादातर जो है इधर ही जाता है, इंडिया में, इंडिया तो में बहुत अरेबी जाता है, कंट्रीज में भी मतलब अरबी वो दुबई में भी जाता है दुबई ये। में भी ज्यादा जाता है। नहीं बहुत मतलब कनेक्शन भी आपका बहुत अच्छा है और ऐसे जानकारी भी हमें बहुत अच्छी मिली। तो आई होप कि लोग आपको पता चला होगा कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में जरूरी चीजें क्या क्या होती है, कहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, लकड़ी की पहचान हो या फिर उसका मतलब काम करने का तरीका हो, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कोप बहुत है, हर कंट्री में है। जैसे कंट्रीज के नाम हमने इनसे भी सुने हैं, चाइना हो, जापान हो, या फिर डेवलप मार्केट हो, या अरेबिक कंट्रीज भी हो, गल्फ भी क्यों ना हो, तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो चीजें इंडिया की जाती है। हैंडीक्राफ्ट का स्कोप मतलब पूरे दुनिया में ज्यादा बड़ा है, और मतलब उसका उतना आप स्कोप डिफाइन कर भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। छोटे से भी चालू किया जा सकता है, बड़े तक भी मतलब वो एक्सपांड किया जा सकता है। सो अभी जितने भी इंफॉर्मेशन हमें सर से मिली, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड जस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक एक्शन। सो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के लिए अगर कुछ भी जरूरत हो तो यस, अमरवुड हैंडीक्राफ्ट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वो सप्लाई भी मतलब करते हैं, एक्सपोर्टर्स को भी माल देते हैं उसके लिए भी। और अगर एक्सपोर्ट के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, और यू कैन कनेक्ट अस टू द सपोर्ट एट kdsushma.com ऑल्सो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो टू क्रिएट द अवेयरनेस, टू एक्सपांड दिस मिशन, टू जनरेट द एंड क्रिएट द एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। टेक एक्शन। जय हिंद।